नमो सब साधन शुद्धात्मान मणिकांतम साधुतम मंगलम वंदे संदर्शितम संदर्शर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम नमः समय समराय स्वानुभूत चकाशे सिद्ध भावाय भावाय सर्व भावान्तरच्छेदि ओम नमः। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत मय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध वचन और काया की क्रिया तो केवल बौद्धलिक है, वह परिणामों की नियमित क्रिया है। परिणामों की क्रिया वो मूल क्रिया है। दूर ध्यान को भगाओ कैसे बढ़िया है, तुमसे ही लौ लगी हो तो ध्यान को। अगर तुम्हें ये चाहना है कि दुर्ध्यान न हो तो आप चाहते देखो, द्रव्य बिना पर्याय के तो होता नहीं। ध्यान तो होगा ही कहीं न कहीं, संगी पंचेंद्री भाव विचार आएगा कुछ न कुछ। और अगर सम्यक विचार नहीं चलेंगे तो विपरीत विचार अपने आप आ जाएंगे। अगर तुम बुद्धिपूर्वक ये नहीं सोचोगे जिनवाणी सुनना है तो प्रमाद अपने आप आ जाएगा, अपरि है विकथा अपने आप हो जाएगी। बोलो नहीं हो जाएगी। अगर तुम्हारा ये भाव नहीं आया कि हम जिनवाणी सुने जिनवाणी पढ़े हमारा नियम है हमारा हित है तो आपको विकथा और प्रमाद अपने आप आने लगे। थोड़े दिन में जीवन प्रमादी हो जाएगा। का करने अपन का करने का करने परे है ठंड लगी ठंड लगी। और जब स्वाध्याय करना होगा समय करनी होगी प्रार्थना करनी होगी तो एकदम खड़े हो जाओ। गंगई चंद हमने तुम्हें बताया था भैया, सुकुमार का वही चंदन था जो सरसों दाना चुभता था और फिर ऐसी बैठी रही तीन चार दिन भक्षण करती रही। कहां से आ गया बल? अरे भैया बल अंदर से आता है और शरीर में भी बल अंतर से ही आएगा, ध्यान रखना। क्यों? कि शुभ परिणामों से शुभ बंद होगा, संगनन भी उसमें अच्छी होगी, शक्ति भी आएगी। और अगर संगनन तुम्हारी शरीर के बल को देखते रहोगे तो आज ध्यान होता रहेगा, आज ध्यान होता रहेगा तो संगनन भी फिर कहां से आएगा। धर्म ध्यान में इस जीव ने स्थिरता नहीं बरती, इसलिए स्थिर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, अस्थिर प्रकृति का बंध हुआ। धर्म ध्यान में स्थिरता बंध हुआ है। अच्छा स्थिर सावधान अकार नहीं, सावधान में सहजता है, अकड़ नहीं। इधर झुके ये दीनता हुई, इधर झुके ये मान हुआ, इधर हुआ झुके बस कहीं नहीं झुके ये ज्ञान हुआ, अपने में झुके। तुमसे ही लो लगी हो तो ध्यान को भगाऊं, कैसी बढ़िया प्यारी लाइन है। एक लाइन तो पढ़ लो जीवन में, आप मनुष्य पर्याय में हो, जैन कुल उत्पन्न हो गया मिल गया है, सत्संगति मिल गई, कितने निमित्त बन गए। टोटर मजी तो क्या कह रहे हैं, अब सब प्रकार से अवसर आया। पंडितों के पंडित थे भी टोटर मजी, महाविद्वान
आचार्य कल्प जिनके वचन और जिनके केवल वचन ही नहीं आचरण भी क्रियाएं भी इनकी विचार भी इनकी श्रद्धा भी आचार्यों के समान है। कल्प माने कल्पना कर लो, ऐसे कह रहे जैसे कल्पना करो आचार्य ही कह रहे हो। आचार्य कल्प कोई डिग्री नहीं है, कोई उपाधि नहीं है यूनिवर्सिटी की। कल्पना करो एक आचार्य ही बैठे हैं और भी उपदेश दे रहे हैं। अरे आचार्य होंगे तो ये थोड़ी कहेंगे संसार में सुख, देव तो संसार में दुख ही तो कहेंगे। आचार्य होंगे ये थोड़ी कहेंगे परदब दुख का कारण है। आचार्य होंगे तो बेबी तो यही कहेंगे तेरे दुख का कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार। आचार्य होंगे तो क्या कहेंगे बता, कि तुम अपने को ब्रह्म से समान मान ली, उस खरगोश के बच्चे ने भी मान लिया, सड़क पर पड़े हुए आंखों आंखें बंद कर ली, अब शिकारी आई। कर्म परम क्या होता है, कर्म कर्म होते। अब आपको एक बात कही थी, कर्म पूरे ईमानदार हैं। पाप कर्म का उदय हो, पाप के परिणाम हो और नहीं भी हो, लेकिन पाप के परिणाम होंगे तो पाप का बंद होगा ही होगा। परिणाम के अनुसार बंद होता ही है, उदय के अनुसार परिणाम हो और नहीं भी। किसी के पाप के पाप का उदय है शरीर में रोग है, हे भगवान हे भगवान अमोर अंतार अमोर अंतार, अंत भगवान को स्मरण कर रहा हो। कुत्ता शांत पड़ा हो, इतनी वेदना हो रही हो, पाप का उदय हो तो कोई पाप का उदय है, अरे अगाध्य कर्मों में होगा, कहां तुम्हारे भीतर होगा। गाजिया में भी तुम्हारा पाप का उदय इतने अर्थों में है कि ज्ञान का झूठम कम है। लेकिन ये कौन ने कह दिया तुम राम राम नहीं कह सकती, मरा मरा कह सकती हो, तुम पश्चिम में चल सकती हो पूरब में नहीं चल सकती। पंडित तीर्थचंद जी ने लिखा, जब तू हाय हाय करता है उस समय आत्मा का स्मरण करे, परमेश्वरी भगवान का स्मरण करे तो कौन रोक लेगा। हाय मरे हाय मरे तो क्या जिन्ना हो गए। ये आज ध्यान क्यों करते हो, दूर ध्यान को भगाओ। और पर्याय बिना का द्रव्य रहता नहीं है, पर्याय तो होगी, अगर अशुभ परिणाम नहीं होंगे तो शुभ परिणाम होंगे, शुभ परिणाम नहीं होंगे तो अशुभ आया। जिनवानी नहीं सुनोगे प्रमाद आएगा, जिनवानी नहीं पढ़ोगे प्रमाद है, सत्संगति में नहीं आओगे तो पनप अभिमान आ जाएगा, दोष पनप जाएंगे। ध्यान रखना व्यवहार न अलग कहेंगे, पहले परमार्थ कहते हैं, यदि तू आत्मा से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। अब उसका व्यवहार क्या हुआ, अगर तुम अरहंतों को देखकर छोड़ करके कहीं और भगोगे, सत्संग को छोड़ करके कुसंग में भगोगे, जिन्होंने छोड़ करके और किताबें पढ़ोगे इतने उतने की ज्योति सीख लें, न गणेश सीख लें, न पढ़ानो सीख लें, अरे क्या करोगे ज्योति सीखे। ये द्रव्य कर्म है जी, भाव कर्म है जी, नो कर्म और का है, और इनके भीतर आत्मा है। अब तुम्हारी आयु दो महीना रह गई है, दो महीना कहाँ रह गई, अनंत काल है तुम्हारी आयु, फिर तुम कहाँ जाओगे। केवल सीधी बातें सोचती हो, दो महीना अबे तो बहुत तुम्हारी उम्र उम्र लंबी तुम्हारी, अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है माने, अबे सब खाओ पियो आराम करो, अंतिम समय में मुकर मत पढ़ लेना। ध्यान रखना नोट कर लेना, जिनका जीवन उपाधिमय होता है उनका समाधि मरण कभी नहीं हो पाता।
कदाचित किसी को हो जाए तो दृष्टांत मत बनाना। गड़ा धन मिल जाए तो अपना व्यापार बंद करके धन घर मत खोद लेना। क्या कर रहे? धन का उपाय कर रहे, गड्ढा खोद रहे। ये कोई बात रही? हर सबने खुलवा खुलवा के डाल दिया, पूरा घर खुलवा दिया। काहे के चक्कर में कि कब ने बताया कि तुम्हारा धन यहाँ दर हो मारी गई तुम्हारे। तुम अपने रत्न से धन को पहचानते नहीं, और बाहर का धन पुण्य की लक्ष्मी है, धूल है, सो तुम जानते नहीं। बाहर का धन धूल है और पुण्य का चेहरा है, पुण्य के उदय से अपने आ जाए। बिल्कुल नहीं समझ रहे, ये सोच रहे हो कि बाहर का धन हम कमाते हैं और धन से हमारी इज्जत है। धन से इज्जत नहीं होती। अगर धनी व्यसनी हो तो इज्जत कहां से होगी? धनिक लोगों सामने कोई कुछ न कह पाए तुम्हारे स्वार्थ बस। लेकिन अगर तुम धनी हो और व्यसनी हो तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? ये समझा देंगे भैया, अगर इन जैसा आदमी होगा तो समझाएगा कि देखो भाई, व्यसनों से तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती, व्यसन छोड़ो। कुपथ भी करता रहे और दवाई भी खाता रहे, ठीक कब होगा? धर्म कछु विधान करा दे, कछु अनुष्ठान कर दे, कछु मोली ले ले, धर्म भी सोचता रहे, मंदिर बनवा दे, बेदी बनवा दे, पंच कल्याण करा दे। अरे भैया कल्याण तो कर लिया अपने, तुम कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं आना। काहे के पंच कल्याण है तुम्हारे? पंच कल्याण तो उनके हैं, उनके हुए हैं जिन्होंने कल्याण स्वरूप आत्मा की आराधना की थी, कल्याण स्वरूप आत्मा को बताया था। तुम बंजारा निकल ले, आमदनी हो जाएगी, भगवान बेच खाओगे, तुम पे पैसा की कमी हो तो माता की बिक्री करोगे। हैं पैसा कम है तो मूर्ति बहुत ही खर्ची कर दे, तुम भगवान बेच दे। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई, कुछ पता ही नहीं है। अलग अलग सिलाना, एक लैट्रिन को सिलाना मास अलग कर ले, रसोई को अलग कर ले, बाकू अलग कर ले। घर में ऐसे सिलाना होते, हम ये नहीं कह रहे उसके बहाने पूजा मत करो, तुम उत्साह से प्रवर्तो नहीं, दान मत करो, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन दान के नाम पर चिंता मत करो, दानी से मानी मत बनाओ। माँ बाप लगता है जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना सीखो, माने जिनेंद्र के अनुसार ही अपना श्रद्धा रखो, अपना ज्ञान रखो, अपना आचरण रखो, विचार रखो वैसी, और वैसी क्रिया रखो। अगर तुम इधर उधर भटकोगे यार अनंत भगवान को छोड़ करके, तो तुम्हारे दुर्ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। सुनयो क्या करे? अगर तुम जिनवाणी को छोड़ करके और कुछ पढ़ा लिखाई में लग जाओगे तो ध्यान होगा। अगर तुम सत्संगति को छोड़ करके कुसंग में जाओगे, सही जीवों का संगति, जीवों का संगन छोड़ करके कुसंग में चली जा रही आप, और अकेला अंगारे की तरह, जैसे अकेला अंगारा बुझ जाता है, आपको बताया था अंगीठी में से अंगारा एक निकाल करके, अब अंगीठी नहीं रही, अंगारे ही नहीं रहे। अब जो समझाओ को, अंगीठी में से एक अंगारा निकाल करके अलग कर दो तो बुझ जाएगा। ऐसे एकल बिहारी मत होना। आचार्यों ने यहां तक लिखा, एकल बिहारी हमारा शत्रु भी न हो। एकल बिहारी का मतलब अकेले घूमने वाला नहीं, अकेले सोच, हम सोच लेंगे, हम कर लेंगे,
कमरे में बैठे बैठे कुछ करते रहते हो, एकल बिहारी हो गए, ये समझो। हमको ये करना है, विधान आदि बड़े कार्यों में भी सबसे पहले आचार्य निमंत्रण होता है कि नहीं होता? आचार्य के पास जाकर के निवेदन करते हैं, हे प्रभु ये लक्ष्मी हमारे पास है, न्याय से हमारे पिता ने कमाई है, हमने भी कमाई है, रखी है, बहुत है, सबका धन हमने अलग कर दिया। सबका धन माने कुटुंब परिवारों का, रिश्ते नाते में जो कमजोर वर्ग का हो, पड़ोसी हो, नौकर हो, सबका हिस्सा अलग करना चाहिए। कच्चे तैले कच दुखिया धन कच हैं, कच श्रावक जन कच दुखिया धन दे। और बच गए सो क्षमा क्षमा सभी सो गए। अब समाधिमान हो सकता है? तुम्हारे बंधन में समय ही नहीं है, समाधिमान कहां करोगे? तुम्हें तो अकड़ पड़ी है, ऐंठ पड़ी है, कुछ नहीं, हंस आई है, हमारी क्या गलती है? चाहे तुम कहते रहो अपनी भूल से जीव दुखी होता है, हैरान होता है दूसरे की भूल से नहीं, लेकिन बस मौन मौन मौन, हम इसलिए नहीं करते, हमारा समाधान नहीं होता, तुम्हारा समाधान तुम्हारा ज्ञान करेगा। तुम्हारा समाधान तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा तो, और ज्ञान उसको कहते हैं ज्ञान माने ज्ञानमय भाव। अगर तुम्हारी विनय तुम्हारा समाधान दे, तुम्हारी सरलता तुम्हारा समाधान देगी, तुम्हें संतोष से समाधान होगा, तृष्णा में पड़े रहो सारे जीवन में समाधान नहीं होगा। जैसे धन की तृष्णा होती है ऐसे विषयों की भी तृष्णा होती है। पंच इंद्री के विषयों की भी तृष्णा होती है। पड़े रहो समाधान नहीं होगा। विनय पूर्वक अगर कुछ बात समझोगे समझोगे तो समाधान हो जाएगा, नहीं सुनोगे समझोगे तो समाधान कहां से हो जाएगा? और समाधान ही नहीं हो, तुम अपने उदय का विचार नहीं करते, तो भवितव्य का विचार नहीं करते, अपने हित का विचार नहीं करते, अपने शुद्धात्मा का विचार नहीं करते, अब समाधान कहां से हो जाएगा? इन्हें लड्डू पसदे हमें नहीं रहे। अब समाधान समाधान ये है, हमारा उदय ऐसा ही, हमने किसी को लड्डू नहीं खिलाए होंगे, कोई बात नहीं। और लड्डू अनंत खाए हैं, कितने लड्डू खाए हैं, लाट चापा के रही तुम्हारी। और लड्डू खाने से कौन सा हित हो जाएगा? ऐसा इंद्री की आसक्ति तो बढ़ जाएगी। एक दिन खाई लड्डू चाहते हो तो खाए, रोज तो रोटी रात से काम करे। और महापुरुषों के लड्डू देखे तुमने? ले समाधान हो, मने लड्डू खाने की लालसा मिट गई, कसाय मिट गई, और ईर्षा मिट गई, और शिकायत मिट गई, समाधान हो। अब कब समाधान हुआ? जब तुमने अपने उदय का विचार किया, महापुरुषों के जीवन का विचार किया, भवितव्य का विचार किया, स्वभाव का विचार किया, लड्डू मिट गई। भाई ज्ञान से ही समाधान होगा? नहीं, ज्ञान माने यहाँ सम्यक ज्ञान समझना चाहिए, आत्मज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान से माने पढ़ाई के नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का समाधान नहीं कर पाएगी। पढ़े लिखे ज्यादा परेशान होते हैं, मजदूरों को भी उतना टेंशन नहीं होता जितना पढ़े लिखे लोग मर जाते हाल। राष्ट्र पार्टी भी मूल है जो नित्य हो जा, समाधान 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 हम करेंगे, हम क्या समाधान करें? हम भी कहेंगे समाधान करेंगे तो यही कहेंगे, भैया तुम्हारा उदय विचार करो, तुम्हारा स्वभाव विचार करो, तुम्हारा हित विचार करो, महापुरुषों का जीवन विचार करो। क्या समझ में आ गए? अपना हित का विचार करो, लड्डू खाने में मऊ हित हो।
ऊंचाई वाली चढ़ाई से हाथी बैठे। लड्डू खाने में हमारा ही थे, अब तक अगर भूख न मेरी शांत हो, विचार तो कर कितने लड्डू खाए भाव भाव में और कितने छोड़ के आए। और आज तो हमारा ठीक है, चक्रवर्ती हुई सुबह हम चक्रवर्ती अपनी रसोई में संत नहीं हो पाया। यहाँ हजारों गायों का दूध, 100 गाय पीती थी, 100 गायों का दूध, एक गाय पीती एक गाय का दूध वो पीता था। और जो एक ग्रास भोजन करता था वो रानिया भोजन करती 32 ग्रास। अब कहा समझे, और उसकी पटरानी में इतनी ताकत थी ऐसे हीरा मोती ऐसे चूरे, और वो कहां मरा समुद्र में, कहे ये फल बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें रचना इंद्री की आसक्ति आती हो, खाने की लज्जा आती हो, अगर तुम्हें इधर उधर उपयोग जाता हो दूसरी थाली पर, हमने आपको कहा था तुम त्यागी बने रहो भैया, सोचो दूसरे की थाली पर निगाह मत रखो। अप्रमोद नहीं आता, अवगर्दन नहीं हलती, अब वैसे प्रमोद आ जाएगा दूसरों की ओर कह दो तो। अगर तुम्हारा पर की ओर लक्ष्य होगा तो दुर्ध्यान होगा, अपनी ओर लक्ष्य होगा तो धर्म ध्यान होगा। ये मूल बात है, स्वपर विवेक हो गए, पर के लक्ष्य से अर्थ ध्यान रोड ध्यान, और अपने लक्ष्य से धर्म ध्यान सुख ध्यान। अब ये परमार्थ हो गया व्यवहार। अगर तुम अंत को छोड़ करके इधर उधर भटकोगे तो तुम्हें आज ध्यान होगा होगा होगा। रोज ध्यान होगा होगा होगा, आनंद मान करके एक कल्पना कर लोगे हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानोगे। अरे भैया अहिंसा में आनंद है कि हिंसा में, सत्य में आनंद है कि झूठ में, चोरी में आनंद है कि अचोरी में, परिग्रह में आनंद है कि परिग्रह के त्याग में। अहिंसा सत्य अचोर और अपरिग्रह कुशीर भी आ गया, उसमें इसी में गर्वित हो गया परिग्रह में, और इनको इनका आधार वो सुजात्मा, इनके प्रणेता अनंत भगवान देवदास गुरु समझ लो। अगर इनकी ओर उपयोग गया तो धर्म ध्यान, और इनकी ओर उपयोग गया तो आर्थ ध्यान। अब समझना, देखो अन्य जगह कल्पना करके सुख की और आनंद मान लिया तो आज रौद्र ध्यान हो जाएगा, मजा आएगा लड्डू मजा, रौद्र ध्यान हो गया। कितनी बढ़िया पूजा, आनंद आ गया, धन्यवाद। कितना बढ़िया स्वाद गया, कैसे पढ़ रहे ये लोग, धन्यवाद हो गया। कितनी बढ़िया दुकान है, कितना बढ़िया शोरूम बनो, रोशन। अरे भाई तुम्हारी समझ में नहीं आती हो तो दर्शन से समझ लेना। जो स्त्री पर पुरुष को देख करके सुखी मानती है, सुखी कल्पना करती है, कितना सुंदर हुए। अरे मैना सुंदरी से पूछो, मैं कह रही का करने, हमारा पति ई बार कोड़ की अवस्था में भी हमारे लिए कामदेव के समान है, और अन्य पुरुष हमारे लिए कुछ नहीं, भाई बहन माता ईसा नहीं है उनकी सुंदरता से। जिसे उनकी दूसरों की सुंदरता से ईर्ष्या है वह तो पाती है, लेकिन दूसरे की सुंदरता में जो आनंद नहीं कल्पना करके ऐसा मुझे मिल जाए,
ऐसा मुझे मिल गया है, ऐसा मुझे मिल गया है, ये कल्पना कर रहा है वो आर्य ध्यान। माने आनंद की कल्पना करना आर्य रौद्र ध्यान, आनंद की कल्पना करना रौद्र ध्यान, और आनंदित होना रौद्र ध्यान। कल्पना में तो रौद्र ध्यान होगा और आनंद में हो धर्म ध्यान हो, धर्म ध्यान समझ लो आनंद रूप होता। इतनी प्यारी लाइन है दुर्ध्यान को भगाओ, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। अब परमार्थ इस व्यवहार में से परमार्थ घटा, तुमसे ही लौ लगी हो माने तुमने जिसे बताया है उस स्वरूप की ओर लौ लगी, जो रचनत है मार्ग तुमने बताया उसी मार्ग को पाने की लगन लगी। हमारी रत्नतः की प्राप्ति का वो हमारे संयम में अतिचार न लगे, टूटे नियम न कोई, हमारा नियम न टूट गया, ये भावना बहाने लायक है। खाली पाठ नहीं है ये अंतर की भावना है, और ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को शांत बनाती हैं, समाधि की ओर ले जाती हैं। परिग्रह की भावना, विषयों की भावना, संयोगों की भावना, ये तो पापरूप है भैया, वे भावनाएं हमें पतन की ओर ले जाएं और ये भावना हमें उत्थान की ओर ले जाएं। पर चिंता धमाधमा, धमाधम होती है फिर तो अधम से अधम है वो भी अर्थ, लेकिन धमाधम मचती है फिर तो। उत्तम स्वात्म चिंता त्याग, अर्थ बोलो आत्मचिंतन उत्तम चिंतन है, नंबर दो व्यवहार बोलो आत्महित का चिंतन उत्तम चिंतन, मध्यमा उद्यमा उत्तम स्वात्म चिंता चाहे मोह चिंता चंद, जिसके प्रति मोह होता है उसी के प्रति हम दुश्चिंतन तो नहीं कर पाते। बच्चे को कभी ये सोचे कि मत जा, ये दुखी हो जा, ये बिना पढ़ा रह जा, ये बीमार हो जा, तो तुम पड़ोसी को देख करके क्यों ऐसा चिंतन कर दे? अपने बच्चे का चिंतन करते हो जी, खूब सुखी हो, खूब ज्ञानी हो, खूब जाको नाम हो, खूब बड़ा हो, क्या करते हो? पुत्रा शिष्यात् परायणम्, हम तो रह गए बिना पढ़े जो रह गए तो, अगर हम प्राइमरी पास हैं और लड़के ने एमए कर लिया तो खुशी होती है, दुख नहीं होता, तो तुम पड़ोसी को देख करके दुखी क्यों हो रहे हो? मोह चिंता का मतलब ये है, ये अधमा कान चिंता, मोह चिंता च मध्यमा, मोह चिंता माने सबके हित की चिंतन करना, सब हित के मार्ग में लगे, रतन से मार्ग में लगे, हमारे जिन धर्म की अद्भुत प्रभावना हो, सब इस मार्ग को समझें, कथाओं के माध्यम से समझें, कोई बात नहीं, कथाओं के माध्यम से समझें। अब लेकिन समझें इस मार्ग को, सब जीव अहिंसा में हित समझें, पाप को छोड़ने में अपना हित समझें, विकथा को छोड़ने में अपना हित समझें, विकथा करने में अपना हित नहीं है, और विकथा से पहले दुश्चिंतन होता है, दूर ध्यान नहीं होगा तो विकथा होगी ही नहीं, ये समझ लो। जब मन में नहीं है कोई बात तो वचन में कहां से आएगी, काया में कैसे आ जाएगी? दूसरों का बुरा कभी अकेले में भी मत विचारो, अकेले में विचारोगे तो अपने जैसे लगे वो बात कह बैठोगे। वैसे कल से कई भी बात नहीं कही, बंदी काम से हम तुमसे कहेंगे तो तुम काय कह रहे? गृह प्रवेश का मंगलाचरण जानते हो कब घर छूटे?
घर में अब तो जन्म ही नहीं होती, अस्पताल में जन्मते हैं, पहले घर में जन्मते थे। और हमने आपको कहा होगा पहले, घर में जन्मना भी कलंक है लेकिन घर में मरना तो महाकलंक है। घर में जन्मना हमारी मजबूरी थी लेकिन घर छोड़ना हम जरूरी है। ये घर अभी हम पढ़ रहे थे परमात्म का, ये गृहवास को दुष्कृत वास कहा है। ये पापी पाप होते हैं और का हो, पाप ही पाप होते हैं। जैसे जन्म का उत्सव नहीं होता मरण का उत्सव होता है, ऐसे गृह प्रवेश का दिन नहीं, गृह त्याग का दिन उत्सव का दिन है हमारे वो जीवन में। और गृह त्याग माने घर का त्याग नहीं अकेला, गृह त्याग माने गृह पर्यंत सर्व परिग्रह का त्याग, सर्व व्यवहार का त्याग, सर्व सुविधाओं का त्याग, सब भोगों का त्याग। परमात्म प्रकाश की टीका में ही लिखा, ग्रह माने खाली ग्रह नहीं, स्त्री ग्रहणी ग्रह मोचित, अग्रहणी में सारे भोग आ गए, न ठंड गर्म कर दियो न ठंडो कर दियो, आ गए कि नहीं आ गए स्पर्धन का विषय। अरे भोगों की रुचि होने के कारण भोगियों से हमें प्रेम होता है, योग की रुचि हो तो योग से प्रेम नहीं होगा। दुर्गम से ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ, का झंडा रह के भगायो, आंख बंद कर लियो का। अरे तो अभी तो मैं भीतर भीतर अंधेरा दिखेगा, जो भीतर की आंख खोले बिना बाहर की आंख बंद करते हैं उनके जीवन में अंधेरा होता है, और भीतर की आंख खुल करके बाहर की बंद होती है, द्रव्यार्थिक चक्षु खुल जाती है पदार्थिक चक्षु बंद हो जाती है, उनके जीवन में प्रकाश होता है, मंगलमय होता है, उनका जीवन पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, बंद नहीं होता। सो इंद्र चक्रवर्ती आदि भी उसमें शामिल हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, जो अपने में झुके हैं उनको सब में झुकेंगे। झुकाना नहीं झुकना सीखो, समझाना नहीं समझना सीखो, समझ में आया, मनवाना नहीं मानना सीखो। अरे मनवाने के लिए एक बच्चा भी बचल जाता है, हम नहीं खाएंगे, खा ले खा ले खा ले, हम नहीं खाएंगे, हमारी रेट बनवा पहले, वो भी बचल गया उसमें क्या। अगर तुम मचल गए तो ये तुम्हारा बचपना है, भोगों के लिए तुम्हारा चित्र मचलता है, बेकार तुम्हारी जीवन। अरे संयम पाने के लिए चित्र मचलना चाहिए। और वो मचलने वाला बच्चा फिर किसी की नहीं सुनता, अपनी जिद पूरी करता है। ऐसे संयम के लिए मचलने वाला कोई की सुन रहा हो, मंत्री बोले महाराज क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, प्रजा अनाथ हो जाएगी, यही कीर्तिधर से कहा था और यही सुकुमार से कहा, सुकौशल से कहा, महाराज प्रजा अनाथ हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा, अब हमें राजा दे करके जाओ पहले, अब क्या करें। तो ठीक है, नहीं गर्भ के बालक को तिलक किया और राजा ले तुम्हें, जो इस रानी के गर्भ में है वो तुम्हारा राजा होगा। चलो लड़का होगा कि लड़की होगी हम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारा राजा है, बस समझ लो। और जाकर के दिखा देगी, चले कहू की नहीं सुनी, इतनी जीत दी सुधाय को। एक बार एक लड़का था खड़ा दिख रहा था, आहार को भी खड़ा हो गया, उसको महाराज का आहार हो रहा, सो भी सोच रहे, बोले तुम्हारे महाराज बड़े वहमी है,
अपनी बड़े बहमी है कि बड़े विवेकी है के सुध इस राय को सोच रहे हैं भाग तो इन्हें हमारी आंखें के सामने तो इन्हें सोच के दो कि उन्होंने अपना काम किया है हम अपना काम करें। बड़े बहमी नहीं बड़े विवेकी हैं, अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ रहे हैं, सूजन का आलसी नहीं है स्वावलंबी है। आलसी नहीं है स्वावलंबी है। भैया क्या कहें, एक बार एक अजैन भाई कह रहे थे, बोले तुम्हारा अब क्या हो सब बोले तो काम हो, पहले रोटी बनती थी घर है और नाच हुए आए आदमी बाहर की, अब नाचती है घर बारी और रोटी बनाए हुए के लिए चाहे कोई आया। इधर तुम्हारी रसोई भ्रष्ट हो गई, खाना पीना खराब हो गया और उधर तुम वो भ्रष्ट हो गए। विवेक करो विवेक लाओ। अरे सोपर का विवेक अपने आप जल्दी एकदम नहीं आ जाएगा, उससे पहले बच्चा बच्चे का भी विवेक आएगा, न्याय न्याय का भी विवेक आएगा, बोलने योग्य न बोलने योग का भी विवेक आएगा। इसकी चर्चा सुदस्त रंगणी में खूब के लिए, देव को देव का भी विवेक आएगा, धर्म को धर्म का भी विवेक आएगा, सुख और इंद्री सुख का भी विवेक आएगा। ये इंद्री सुख है ओ अध्रुव है विनाशी है, जा सुख को तू सुख कहे सो सुख तो सुख ना सो सुख दुख के मूल है, सुख अविनाशी माँ है। उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि मर से सुख होता है स्वस्थ से सुख होता है, अभी ये बात नहीं कही, अभी ये कहा जिस सुख को तुम सुख मान रहे वो सुख ही नहीं है। हमने दर्शन दिया था, ए भैया तुमने घी को जाना नहीं, जिसको तुमने तेल माना वो भी तेल है और जिसको घी मान लिया वो भी तेल है, जमो वो तेल ही तो है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे अरे तेल ही खाने हैं तो असली तेल खा ले, नकली तेल काहे खा रहे, जो न घी में न तेल में, लगता घी जा है और तेल है। श्वेत विष लिखा है सफेद चीनी नमक मैदा और वनस्पति, श्वेत विष लिखा चिकित्सा विज्ञान। सोचो तो सही अपने अंदर में, छल क्यों कर रहे हम अपने अंदर में। और पहले ऐसे ही होता था, बहुत कुछ करना भैया, चलो तेल मना लिया, कोई कड़वे तेल मना ले, कोई मीठे तेल मना ले, कोई मूंगफली तेल मना ले, कोई को तेल माने थे। अब ये वैज्ञानिक ही हो गया, केमिकल जाते हैं वहां में और बस उसको जमा दिया और बस खत्म मामला, घी जैसा दिखाई देता है। नकली घी किसको क्यों कहा, घी जैसा दिखाई देता है लेकिन घी नहीं है। हम ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, सिद्धांत क्या है, सुख जैसा दिखाई देता है सुख नहीं है, ज्ञान जैसा दिखाई देता है ज्ञान नहीं है, धर्म जैसा दिखाई देता है धर्म नहीं है। जब आत्मा धर्म तो भैया उत्तम क्षमा मार्दव आजब सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है धर्म। इन लक्षणों से जो प्रकट होता है उसका नाम धर्म है। हम धर्मात्मा लड़की है लड़के की नाप ऐसे नहीं करते कि खूब पूजा करते और साथ से लड़ते, भैया से लड़ते नहीं। जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है, जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है धर्मात्मा। एक माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें सोने को पहाड़ मिल जाए तो तुम कितने दिन में दान करोगे। बोले हम तो एक क्षण में दान कर देंगे, लेने वाला कितनी देर में रहेगा, रोए हमें क्या मतलब, हम तो एक क्षण में दान कर देंगे।
ऐसे हल्दी छिड़क दी। संगत जी की स्त्री थी, बच्चा कोई था नहीं, और जब तक वे सरकारी आदमी आए कर्जा धन पाने के लिए, तब तक तो आंगन में डाका ही और आदमी छिड़क रही। आए कर्मचारी लोग, भैया वो अब है तो दुखद घटना, लेकिन अब क्या करें, रीति है राज्य की, राज्य का वो संपदा का स्वामी राज। वो बोले बदरी है वो समझ आंगन में, लेकिन धर्म कार्य के लिए है। कर्मचारियों ने जाकर के कलेक्टर से कहा, वो तो साहब हल्दी छिड़क चुकी। बोले तो रक्षा करो उसकी, जो नहीं देता है उसकी उधारी वसूल करो। और धर्म कार्य में लगा। जिदान के लिए है, बस खत्म हो गो। अपने का करने कितने दिन में खर्च हुए, कब हो या कैसे हुए, ये दान के लिए है। तो जो जितनी जल्दी छोड़ सकता है वह उतना बड़ा, जो जितनी जल्दी त्याग कर सकता है उतना बड़ा, ऐसे जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है और जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है उतना ही धर्मात्मा है। और छह छह दिन सोचत रहे, आठ आठ दिन सोचत रहे, महीना भर सोचत रहे, साल भर सोचत ही रहे, दीर्घ सूत्री बिना सके। क्या कहा, दीर्घ सूत्री बिना सके। यहाँ एक शब्द और जोड़ लेना चाहिए, दीर्घकालीन सोच या विपरीत सोच। सोची तो लेकिन विपरीत सोची तुमने, अपनी मनवाने के लिए सोची। भगवान वह है जिसकी सब मानते हैं, नहीं, भगवान वह है जो जिनवाणी की मानता है, है? धन्य वे नहीं है जिनके पास संपदा अपार है, धन्य वे हैं जिन्होंने जीवन तन के समान त्याग दिया। अरे जो संपदा को जीवन तन के समान समझते हैं, रत्नत्र संपदा को पाने के लिए लालायित होते हैं, वे धन्य हैं। डंडा नहीं है सुर लेके भगा दिए, भगो 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 भगो, दुर्ध्यान कैसे भगेगा। बोलो शास्त्र सिद्धांत का शब्द बोलो, बाकी बोलो। व्यय उत्पाद पूर्वक होता है, सिद्धांत क्या है, व्यय उत्पाद पूर्वक व्यय होता है। तो दुर्ध्यान का व्यय करना है तुम्हें, तो धर्म ध्यान का उत्पाद चाहिए। बोलो सिद्धांत है कि नहीं, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है, उत्पाद व्यय पूर्वक होता है। अरे पुरानो व्यय हम उठेंगे तब तो दूसरों बैठे हो, अब हम उठेंगे ही नहीं तो बैठे कैसे। हमारे मन में जब तक इस बाहर की महिमा आ रही है, अपने देवगुरु धर्म की शुद्धात्मा की महिमा कहां से आई। जब शुद्धात्मा की महिमा आएगी तो इनकी महिमा कैसे रहेगी। दो एक मैन में दो तलवार नहीं, परमात्म प्रकाश में एक क्षेपक गाथा है, वो दुआ है कि जिस हृदय में नारी बसती है उस हृदय में भगवान नहीं बसते, और जब भगवान बसते हैं नारी नहीं बसती। क्यों, एक मैन में दो तलवार कैसे खाए, क्या एक मैन में दो तलवार घुसाओगे। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, इसका मतलब है काऊ की दास मैं ही कहूं। अरे मंदिर में आकर के भी भोगों की कामना करता है तो भोगों का भक्त है, भगवान का भक्त कहाँ है। भक्ति तो निष्काम होती है, और निष्काम भक्ति आनंदमय होती है। आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मेल नहीं चढ़े कदा।
विद्या की हो उन्नति हमें धर्म ज्ञान हो। बोलो क्या बड़ा तुम का सोच रहे, हमारी दुकान बढ़े कि हमारा घर बढ़े, हमारा परिवार बढ़े कि हमारा स्वास्थ्य बढ़े। अरे ये तो बढ़ेंगे ही अपने यहाँ, और न बढ़े तो हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है। हमारा धर्म ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, हमें कभी दुर्विकल्प न आ पाए, दुर्ध्यान को बगाओ। अस्सी क्या हुई, धर्म ध्यान को लाऊ मैं, धर्म हे धर्म ध्यान प्रकट हो दुर्ध्यान को बगाओ। जहां धर्म ध्यान प्रकट होता है दुर्ध्यान नहीं होता, समझ गए। जहां सद्भावना होती है वहां दुर्भावना नहीं होती, जहां उजाला होता है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां उजाला होता है वहां अंधेरा नहीं होता। अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा, फिर इलाज करोगे को पथ पैर छूटेगा। बड़ी भ्रम में रहते हैं, मूलाचार में लिखा प्रस्तावना के जो धर्म ध्यान के नाम पर कुछ करते भी रहते हैं थोड़ा बहुत, और परिणामों की निर्मलता का जिन्हें संभाल नहीं है, दो ध्यान भी करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी करते रहते, काम क्रोध भी करते रहते, मोही होते रहते, आसक्त तो बने रहते हैं, वे जीव ऐसे हैं जैसे कोई कुपथ का सेवन करता है और औषधि का भी सेवन करे। दवाई दवाई कम खा रहे, अरे दवाई कितनी है अगर तुमने इतनी खा लो तो कुपथ भी था इतना, और विचारों का कुपथ भी समझो, आहार विहार निहार तीनों से लिया, विचारों का कुपथ भी समझो। परिणामों की निर्मलता का यत्न रखो, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, जो सत्य है वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। पद्धति बुद्धि से नाम रखने में कोई फला नहीं है। संस्कृत अशुद्ध मत बोलना, हिंदी शुद्ध बोलना। संस्कृत में प्राकृत में ज्यादा रम हो जाएगा अशुद्ध बोलने से, ऐसा मत समझ लेना। इसका मतलब संस्कृत नहीं सीखना, प्राकृत नहीं सीखना, ऐसा नहीं है। सीखने की प्रेरणा जब हम करते हैं तब तो कहते थे भैया वो बेटा कैसा जिसको माँ की भाषा नहीं आती, हम जैनियों की भाषा प्राकृत है, प्राकृत आना चाहिए आपको। एक बार क्या हुआ, बाद का समय था, बहुत पुरानी बात है, तो जो विद्वान बाद के लिए आना थे भी आ नहीं पाए, और बाद शुरू हो गया, कोई ट्रेन लेट हो गई हुई। अब भाई बाद जब शुरू हो गया तो बोले भैया हम संस्कृत में बाद होगा। भैया संस्कृत में होगा अब क्या करेंगे, चलो करो सुन। उन्हें अपने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, अब आधी समझ में आई आधी नहीं समझ में आई। संस्कृत में बाद हो गया, एक लड़का खड़ा हो गया तुम जैसा, बोले भैया हम उतर दे। बोले देव जैसे बढ़िया का बात, बोले इन पंडित जी की भाषा संस्कृत है, हमारी भाषा प्राकृत है, हम प्राकृत में उत्तर देंगे। वह ने सिर्फ संग्रह की दो तीन गाथा सुना, अब ऊपर को मोड़ा, भैया तुम न संस्कृत बोलो न तो प्राकृत बोलो हिंदी बोलो। तब तक पंडित जी आए और जय जयकार हो गई, जैनी हो गई, बात मैं जीते हो गई। ध्यान रखना युद्ध में हो चाहे बाद में हो, हार जीत पुण्य पाप के उदय अनुसार होती है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जिसको तुम हार मानते हो वो जीत है, और जिसको तुम जीत मानते हो वो हार है। हार की जीत बड़ी है भैया,
स्कूलों में पढ़ी होगी हर की गीत। वो घोड़ा बारी बाबा जी घोड़ा तो नहीं छोड़ेंगे। एक दिन अपाहिज बन करके आ गया और घोड़ा लेकर के चल दिया तन करके। बाबा जी नीचे ही रह गए। बाबा जी घोड़ा तो नहीं देंगे। बोले घोड़ा मंदिर एक बात सुने जाओ, कल से चर्चा मत करी। ये या मैं तुमका कह रही, नहीं तो गरीबों का कोई विश्वास नहीं करेगा। घोड़ा तो ले चला, लेकिन ये सोच रहा है वो कितने महान पुरुष थे, या घोड़ा की रक्षा के लिए कितने इनको मोह था और खड़े रहे रक्षा करते रहे सुरक्षा करते रहे, रात भर जगाते रहे, लटिया दे पैरों के पहरेदार बने रहे और ममत छूटा तो छोड़ ले जा घोड़ा, गरीबों का कोई विश्वास नहीं करेगा। हो चुपचाप आओ। दूसरे दिन घोड़ा बांधे वो हिंडने लगा, समझ गए अरे आप गरीबों के विश्वास से कोई नहीं मुख मोड़ा। खुशी किस बात की, घोड़ा मिलने की नहीं, कोई नहीं। अब बताओ हार के जीत गए, जीत के हार गए। बावली का और भरत का एक युद्ध सामने प्रसंग बन गया, कौन जीता कौन हारा। अरे एक बात समझना, हार जीत की भाषा ही कथा की है और वो भी तुम्हारी उल्टी मान्यता है। जिसको तुम हार कहते हो वो जीत है तुम्हारी, और जिसको तुम जीत कहते हो वो हार है। संसार का वर्णन अरे नरदेह किया, पहले हम पे कछु नहीं तो आप सब कछु है, ये जीत मानते हैं जबकि ये हार है। परिग्रह वर्णन और हम पे कछु नहीं है तो पहले सब कछु तो अब कछु नहीं है। जीत गए, हमारी जीत है ये। हमने मोह को जीत लिया है, कथायों को जीत लिया है, ये हमारी जीत है। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। सोचो भाई कैसे भगाओगे, धर्म ध्यान में चित्त लगाओगे तब भगेगा वो धर्म और ध्यान, तब भगेंगे आर ध्यान। आर ध्यान भी इंद्री सुख के लिए है। अब कब ठीक हो, कब ठीक हो, कब ठीक हो, वो भी इंद्री सुख के लिए, और इंद्री सुख पाई और मगन हो गए वो भी इंद्री सुख। अरे अतिंद्री सुख ही सुख है, अतिंद्री ज्ञान ही ज्ञान है। जो ऐसा नहीं मानते भी अवभ्य के समान है। दूर ध्यान को भगाओ, वो धर्म ध्यान कैसे होगा बोलो बोलो। अब बोलते हो नहीं सका जीवते हो। अरे भगवान की आज्ञा का मान विचार करेंगे तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, और दूसरा कर्म का नाश कैसे हो, हमारी ये दुर्भावना छूटी कैसे, ये तुम्हारा कौन सा अपाय विचय धर्म ध्यान होगा। और जब माओ ही उदय है कछु तुम्हारा भैया कछु दोस्त नहीं है, विपाक विषय धर्म ध्यान होगा। और जब लोग का स्वरूप विचार करेंगे, ये पाप का फल भोगने का स्थान है, ये पुण्य का फल भोगने का स्थान है, वो धर्म का फल भोगने का स्थान है। मोक्ष सिद्धालय सिद्धशिला वो धर्म का फल भोगने का स्थान है। स्वर्ग व पुण्य के फल भोगने का स्थान है। भोग भूमि व पुण्य के फल भोगने का स्थान है। नरक त्रियन ये पाप के फल भोगने के स्थान है। संसार का विचार करके पाप से भयभीत हो गए, संस्थान विषय धर्म ध्यान करो। ये बुद्धिपूर्वक आपको करना होगा। इसमें पुरुषार्थ है। एक दृष्टांत दिया था यार, पानी ऊपर चलाए हुए में पुरुषार्थ है, मोटर लगाने पड़ेगी और नीचे चाहिए वैसे बजे,
ऐसे परिणाम तुम्हारे नीचे तो चाहेगा चेत ले आए, ऊपर चढ़ाओ सब प्रसाद। हम तो मैं छोड़ेंगे नहीं, मार डाले। अरे भैया बचाए क्या बता, मारे रहे क्या पुल, बचा के बताओ, रक्षा करके बताओ। तुम एक जीव को बचा सकते हो? उस रास्ते में वो डाकू था और चले चले गए। बे महाराज वो डाकू है, वो डाकू वो काऊ छोड़त नहीं, उंगलियां काट ले तो है, गर्दन की माला पहनता है। अच्छा कोई बात नहीं, पहुंच गए शांत चित्त से देख करके वो प्रभावित तो हुआ थोड़ा, लेकिन फिर भी बोले भैया एक काम कर सकते हो? हम आओ। क्या आओ महाराज? बोलो। चार पत्ता तोड़ ला पेड़। क्या बोले? एक चेनिया तोड़ लाओ। बोले तिपका हो चार चेनिया। बोले चार तोड़ लाए, अब जी जोड़ दी हुआ कैसे जुड़ते नहीं है तो फिर ये पाप काय को कर रहे हो? जोड़ो हवा तुम, नेल मिला बढ़ावे हम सब, तोड़ने में कहा है? ऐसी एक कह रही बच्ची, बत्तीस और टूटी है दांत, बत्तीस दांतों के बीच में रहने से क्या है? अरे ऐसे वचन मत बोलो कोई टूटे जुड़े, ऐसी वचन बोलो। थोड़ी धागा बनो, कैंची मत बनो भैया, जुड़ो, जोड़ना सीखो। लेकिन विचार करो, अगर तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ कैसे सकते हो? राग नहीं है तो द्वेष कैसे कर सकते हो? मैत्री भाव नहीं है तो फिर द्वेष भाव होगा। दुर्ध्यान को बोला धर्म ध्यान पर जाऊं, धर्म ध्यान प्रकट होता है, दुर्ध्यान भग जाता है। अंधकार के वो प्रकाश के होने पर अंधकार के बाद एक बार क्या हुआ, प्रकाश गुरु महाराज के पास पहुंचा, वो चला गया, फिर अंधकार पहुंचा। अंधकार बोला प्रकाश ऐसा है, प्रकाश ऐसा है, प्रकाश ऐसा है, और उसने हमारा जीवन बड़ा दुर्लभ कर दिया है, रहना ही मुश्किल करा है, भाई तो हमें खुटी आंख नहीं स्वाद हो, हमें बुराई करने का। जबकि प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद भैया बुला के तो दा अंधकार से कहा प्रकाश को, अब बुलाए कि कैसे रहा? जहां अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश आएगा तो अंधकार। अब अंधकार बुलाने गया और प्रकाश आ गया। काई अंधकार तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रहा था, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुमने जीनो मुश्किल कर दो। बोली महाराज हमने तो आज तक देखो ही नहीं है, हमारे आने से पहले ही वो चला जाता तो हम क्या करें, हमने तो देखो ही नहीं हुआ केस। वो हमारी और फिर भी अब बताओ क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं, दूर ध्यान को बगाओ, बहुत उत्तम उपदेश है, ग्रहण करने योग्य उपाधि है, ग्रहण करने योग्य उपाधि है। पूरी अच्छी लगती है लेकिन रोज रोज नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाए, लेकिन जिनवाणी अच्छी लगे तो रोज सुन सकते। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन रोज कर सकते हैं, अगर ये प्रतिमा हमें बहुत अच्छी लगा है अच्छा रोज देखो, हमेशा देखो। सत्संगति हमें अच्छी लगती है तो सत्संगति में रहो, मने सुखमय भी है और स्वाधीन भी है। क्या? धर्म ध्यान। दुर्ध्यान दुखमय भी है और पराधीन भी है। अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कितों पुरो सोचे हैं आन देव भाई ऐसे कहें ऐसे कहें, सामने आए वो कहे भैया क्या कह रहे थे, कछु नहीं कछु नहीं, कहे पुण्य का उदय है सामने वाले। पाप का उदय हो
अलग बात है। दुर्ध्यान कर्म जनित परिणाम है, धर्म ध्यान पुरुषार्थ जनित परिणाम। विचार हे जनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो सो वाणी मैं तक नमो सदा जी तुम दो। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी। बड़ी ही सरल भाषा में, बड़ी ही मधुर भाषा में, मधुर भावों को लिए हुए आज विशेष स्वाध्याय को मिला। सचमुच ज्ञान से समाधान है भाषित हुआ, जिसका टीका की ज्ञानमय समाधान अर्थात ज्ञानमय भावों से अर्थात क्षमा से समाधान है भैया। और जिनके भी समाधान हुए क्षमा से हुए, विनय से हुए, सरलता से हुए। सभी ऐसे ही उत्साह से स्वाध्याय में जुड़े रहे। कल हमारे बीच में और भी भाई बहन पधार रहे हैं, अपने साधर्मी भाई बहन, वो भी लाभ लेंगे। आप भी स्वाध्याय सुनने की डेली की आदत बनाओ, महाभाग होता है। ऐसे पढ़ना उछलते हैं कि करोड़ों के धन कमा करके भी नहीं उछलेंगे।